चलो यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, केमिकल काइनेटिक्स हम देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख चुकी है अभी तक, है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है, कंप्लीट करते हैं इसको, है ना। इसके बाद फिर आगे की चीज़ें जो है उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स में हम कल कहाँ तक देखे थे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट निकालना हमने कल आपको सिखाया था, जो कि बहुत सिंपल था, एकदम आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो रेट आता है हमारे पास में नेगेटिव पॉजिटिव या फिर फ्रैक्शन में आ सकता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस पर, ठीक ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो रिएक्शन होता है हमारे पास में, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के हैं। पहला क्या है हमारे पास में, वन स्टेप, पहला केमिकल रिएक्शन होता है वन स्टेप केमिकल रिएक्शन। सेकंड हमारे पास में क्या होता है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, या इसका क्या बोल देंगे, वन स्टेप रिएक्शन। ये हमारे पास में हो गए इसके दो टाइप्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं वन स्टेप रिएक्शन की बात करूँ तो वन स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, वन स्टेप रिएक्शन में जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट होता है, इक्वल होता है किसके, इसके होते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, इस चीज को याद रखना है ना, यहां ध्यान दो भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट। लेकिन मल्टीपल स्टेप में क्या होता है, इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट जो होता है वो इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो भी सकता है, या फिर ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सिंपल सा फंडा चीज़ हम आपको पहली क्लास से बताते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वन स्टेप रिएक्शन होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये आपको बहुत पहले से पता है, एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। आप इसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये भी आप लोग को पता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग को रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में जो हमें जानना चाहिए, जो चीज़ जो वो चीज़ हमने आपको पहले से ही बता कर रखा होगा, तो खैर इसको उतने एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है अभी, है ना, कि वन स्टेप रिएक्शन क्या होता है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, उतने एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आपको पहले से पता है ये चीज़, है ना। मिटा दें, इसके बाद आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट में और में नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। ठीक है, इसके बाद एक हम नया वर्ड यूज करेंगे, इसको लिखो फिर बताते हैं क्या है वो। देखें चलिए, इसके बाद एक नया वर्ड हम आज यूज करने वाले हैं, जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलैरिटी।
ये नया वर्ड आपके सामने आ रहा है मोलिकुलैरिटी। अब यहाँ पर ध्यान दो, मोलिकुलैरिटी होता क्या, थोड़ा सा इस चीज़ को समझो। मोलिकुलैरिटी मतलब क्या, क्या इसका, ठीक है, मोलिकुलैरिटी को मैं सीधा सा मतलब ये समझ सकता हूँ कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ठीक है, या फिर हाउ मैनी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। सिंपल से इसको लिख लेना, क्या लिखोगे आप लोग, हाउ मैनी, या फिर नंबर, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, कि रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उसी को बोलते हैं उसकी मोलिकुलैरिटी। क्लियर है? और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो मोलिकुलैरिटी होता है ये सिर्फ मैं वन स्टेप रिएक्शन में चेक करता हूँ, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में इसका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ यूज़ मैं कहाँ करूँगा, वन स्टेप रिएक्शन, या फिर इसी चीज़ को क्या बोलता हूँ मैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन में इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। क्लियर है इसने मोलिकुलैरिटी के बारे में? ठीक, अगर इतना समझ में आए तो चलिए इसका हेडिंग पॉइंट लिखिए, स्टार पॉइंट करके लिखेंगे। पहले यहाँ जो लिखा हूँ उसको लिखिए, मोलिकुलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंस पार्टिसिपेट इन प्रोडक्ट, या फिर हाउ मेनी रिएक्टेंस पार्टिसिपेट इन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, यूज़ ओनली वन स्टेप रिएक्शन, या फिर डिफाइंड ओनली फॉर सिंगल स्टेप या फिर वन स्टेप रिएक्शन, है ना। केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा सा लिखने वाला पोर्शन है ना, तो हो गया ठीक। स्टार पॉइंट फर्स्ट लिखे यहाँ पे, स्टार पॉइंट के फर्स्ट लिखिए, मोलिकुलैरिटी इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, मोलिकुलैरिटी इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज़ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स taking part in one step reaction, या फिर वन स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं आप लोग। आई रिपीट, मोलिकुलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन वन स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है ये, और इस पर कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किया केमिकल, है ना, या फिर मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में, ये उसको बताता है। सिंपल सा फंडा यहाँ पे, है ना। इसका सेकंड आप लोग लिखेंगे, सेकंड स्टार पॉइंट लिखिए इसका, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग सैमल्टेनियस इन वन स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग सैमल्टेनियस इन वन स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कहने का मतलब क्या है, कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं इस चीज़ को बताता है कौन, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी, कितने मॉलिक्यूल्स वहाँ पे कोलाइड में पार्टिसिपेट करते हैं इस चीज़ को बताता है क्या, मॉलिक्यूलैरिटी, किसमें, वन स्टेप रिएक्शन में, इस चीज़ को याद रखना, किसमें, वन स्टेप रिएक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना भाई, कि वन स्टेप रिएक्शन में या फिर वन स्टेप केमिकल रिएक्शन पे किसी की भी मॉलिक्यूलैरिटी मैक्सिमम होती है कितनी, मैक्सिमम मोलिकुलैरिटी होती है 3। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कितनी होती है 3। अगर 4 कहीं पे होता है तो रेयरली केस में होता है, है ना, बट मेनली कितना होता है 3 ही होता है। एग्जांपल समझ सकते हैं, अगर मान के चलो हमारे पास में एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट क्या है बी, जब ये आपस में कोलाइड करेंगे उस केस में क्या होगा, ए और यहाँ पे ये बी,
ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, कोलाइट कर रहे हैं, टच आ दोनों एक दूसरे के टच में आ रहे हैं, मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी वहाँ पे, टू। कितनी हो जाएगी? टू। अगर मान के चलो हमारे पास में तीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो अगर अपने पास में ए भी है, अपने पास में बी भी है, अपने पास में सी भी है, ठीक है, ये जब कोलाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और ये क्या बन जाएगा यहाँ से सी, ए बी सी, तीनों के तीनों किस पे हैं, कोलाइड में पार्टिसिपेट किए हैं। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे फोर मॉलिक्यूल्स अपने पास में आ जाएं, एक दो तीन चार, और जब इनको कोलाइड कराऊंगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक दो तीन चार, ऐसे ही होगा। ये तो टच में है, ये भी टच में है, ये भी टच में, लेकिन ये क्या टच में है नहीं, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं बता सकते, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन में पूछेगा मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आपका आंसर क्या होगा वहाँ पे, थ्री। क्लियर है इतना? नोट कीजिए जल्दी से इस चीज़ को। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी पूछो कितना हो जाएगा, टू, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी, मतलब हमने ये बोला कि अपने पास में चार, इसको सेम सेम साइज़ का बना लेना है, ठीक है, अपने पास से मान के चलो ये ए, ये बी, ये सी, डी है, ठीक है, चार मॉलिक्यूल्स अपने पास में या फिर रिएक्टेंट अपने पास में है ना। अब देखो अगर इसको ए मानता हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है, ए देखो बी के साथ कोलाइड हुआ है, कॉन्टैक्ट में हुए, सी और डी भी क्या है, कोलाइड हुआ है, कॉन्टैक्ट में है, डी और बी, लेकिन ए और बी, ए और डी हो सकते हैं क्या, नहीं, एक यहाँ पे ऐसा छूट ही जाएगा जो किसी के साथ कोलाइड में जाएगा, किसी एक के साथ में कोलाइड में नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा वो, इसीलिए बोलते हैं क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तीन। चार होता भी है तो बहुत रेयर केस में होता है, एकदम रेयर केस में है ना। तो ये फंडा होता है सिंपल सा इसका, ठीक है, थोड़ा सा और लिखिएगा इसमें स्टार पॉइंट करके, सिंस यहाँ पे जो हमने बोला है उसी चीज़ को लिखवा देते हैं, चलो, सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन ऑफ मोर देन थ्री मॉलिक्यूल इज वेरी रेयर, एकदम रेयर होता है ना, आई रिपीट, वेरी रेयर, सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन ऑफ मोर देन थ्री मॉलिक्यूल्स इज वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है वैसे मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूलरिटी डजंट एग्जिस्ट द वैल्यू ऑफ थ्री, एक्सीड मॉलिक्यूल डजंट एक्सीड, मॉलिक्यूल डजंट एक्सीड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ थ्री, या फिर द वैल्यू ऑफ थ्री लिख सकते हैं। रिपीट करूं इस लाइन को, सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन ऑफ मोर देन थ्री मॉलिक्यूल इज वेरी रेयर, मॉलिक्यूलरिटी डजंट एक्सीड द वैल्यू ऑफ थ्री, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव में भी आता था, नेगेटिव में भी आता था, फ्रैक्शन में भी आता था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारे पास में मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज आएगी पॉजिटिव इंटीजर में, किसमें आएगी, पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है। तो वहाँ पर लिख लो अगला स्टार पॉइंट करके, मॉलिक्यूलरिटी से क्वेश्चन बनता है, पहले ही बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलरिटी से क्वेश्चन बनता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर है ना। ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, बन जाएगा, ठीक। अगला स्टेप अगला लिखिए, स्टार पॉइंट करके, फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, इतना लिखने के बाद अगला स्टार पॉइंट लिखिए, फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन
फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसमें थ्योरी है, मॉलिक्युलरिटी पर थ्योरी बेस है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसके बाद आएगा न्यूमेरिकल वाला पोर्सन। अभी थोड़ा थ्योरी सीखो, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिखाएंगे जस्ट इस क्लास के बाद अगली क्लास पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, है ना। अभी थोड़ा सा थ्योरी झेल लो, है ना। मॉलिक्युलरिटी से थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला लिखिए थ्योरी इसका। अगला स्टार्ट पॉइंट लिखिए, फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आई रिपीट, अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू द मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। द मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन मतलब क्या है इसका, कि सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, वही उसकी मॉलिक्युलरिटी होती है, वही उसकी क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी होती है। क्लियर है इतना। अगला लिखिए स्टार पॉइंट, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या फिर उसको मल्टीपल स्टेप रिएक्शन भी बोल सकते हैं ना, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड बट ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड, है ना। अगला स्टार पॉइंट है इसका, मॉलिक्युलरिटी इज गेटेबल फ्रॉम मतलब मॉलिक्युलरिटी में कहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी गेटेबल फ्रॉम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ एलिमेंट्री प्रोसेस। मॉलिक्युलरिटी इज गेटेबल फ्रॉम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ एलिमेंट्री प्रोसेस, मतलब कि जो वन स्टेप रिएक्शन रहेगा ना, उसका जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट रहेगा वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा और वही उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी, है ना। चलिए इसमें एक और लिखिए, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट मतलब कि जैसे कि रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ एलिमेंट्री प्रोसेस या फिर वन स्टेप रिएक्शन, है ना, ऑफ एलिमेंट्री प्रोसेस या फिर वन स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री प्रोसेस या फिर वन स्टेप रिएक्शन, सिंपल है बहुत चीज़, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, टू गेट द मॉलिक्युलरिटी वी मस्ट टेक स्मॉलेस्ट इंटीजर। टू गेट द मॉलिक्युलरिटी वी मस्ट टेक स्मॉलेस्ट इंटीजर value of the stoichiometric coefficient, repeat कर रहा हूँ, to get the molecularity we must take the smallest integer value of the stoichiometric coefficient of the individual reactant and thereafter we need to get the sum of stoichiometric coefficient, ठीक है। इसका मतलब क्या, अभी हमारे पास में अगर हमारे पास जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अपने को चाहिए रहता है किसके लिए, मॉलिक्युलरिटी के लिए। सिंपल से यहाँ पे अगर देखो हमारे पास में कुछ चीज़ यहाँ पे है, देखो अगर हमारे पास में यहाँ पे कोई रिएक्टेंट ए है प्लस यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है बी, यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को सी, अगर एग्जाम में आ गया इसका मॉलिक्युलरिटी लिखने का कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट कितने पार्टिसिपेट किए हैं यहाँ पे, दो, मतलब मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा इसका, टू, सिंपल है, ठीक। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो, अगर अपने पास में आ जाए 2a प्लस 2b, यहाँ से बन रहे हमारे पास में 2c, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, 4। आप लोग लिख क्या जाएंगे, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, जो लास्ट लाइन मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनिए, क्या बोला है वहाँ पे, स्मॉलेस्ट इंटीजर अपने को लेना है। स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब क्या, सब में 2 है, दोनों में 2 कॉमन ले लेना, 2 क्या आएगा इसका कॉमन, फिर वैल्यू निकालना, 2 कॉमन लेने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, मॉलिक्युलरिटी 2। स्मॉलेस्ट इंटीजर जितना हो सके स्मॉलेस्ट इंटीजर करके लिखना है अपने को, ठीक है, 2 स्मॉलेस्ट फॉर्म पर लिखना है इसको भाई। जब इसको इसकी 2 को कॉमन लूँगा तो इसका क्या आ जाएगा, ये भी तो ऐसे ही बन जाएगा ना, a प्लस बी यहाँ पे सी,
टू तो सब में है, टू तो सब में है, मॉलिक्युलरिटी कितनी आ जाएगी इसकी, टू बन जाएगा। सिंपल है, जो मैंने स्टार पॉइंट लिखाया है उसको घर जाके पढ़ ही लेना एकदम अच्छे से, है ना, कि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हो अपने से, वहाँ पे काम खराब नहीं होना चाहिए, है ना, अपना मॉलिक्युलरिटी से। ठीक, इतना हो गया, अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट लिख लो, फ्रॉम एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री स्टेप, फॉर एलिमेंट्री स्टेप ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर न्यूमेरिकली सेम। फॉर एलिमेंट्री स्टेप या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर न्यूमेरिकली सेम, मतलब वन स्टेप रिएक्शन में जो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू रहेगी वही वैल्यू इसकी किसकी रहेगी, मॉलिक्युलरिटी की रहेगी। अब इसमें एक और चीज़ हमने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था भाई, इसको फिर से एक बार लिख लीजिए, चलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ वन स्टेप रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल कि जो वन स्टेप रिएक्शन होगा, ठीक है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी, और मॉलिक्यूलरिटी होता है ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, नॉट फ्रैक्शनेबल। इन एलिमेंट्री ये याद रखना है ना, इन एलिमेंट्री रिएक्शन बन जाएगा, इतना सिंपल है, इतना अपने को सिंपल रखना है ना। बन जाएगा इतना सिंपल है, सिंपल है, ठीक, चलिए इतना बन जाएगा हमसे। अगर इतना बन जाएगा, इतना समझ में आ गया, तो छोटा सा कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए, है ना, बन जाएगा, सबसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब वो क्वेश्चन पूछे हुए भी, एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखवाएं, क्वेश्चन लिखो, द डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ क्वेश्चन लिखो इंपॉर्टेंट है, आईएमपी करके लिखते हैं क्वेश्चन को, है ना, द डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन में लिख लेंगे ए प्लस टू बी इज थ्री सी, ये अपने पास में रिएक्शन है, इसके लिए मैं रेट लो लिख रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा रेट लो यहाँ पे सही है, है ना, कौन सा रेट लो हमने सही लिखा है, आपको जल्दी से आप ये बताना है।
कौन होगा? लिखने आता है ना आशुतोष, क्या आएगा? जल्दी भाई जल्दी, अपने पास में रिएक्शन ये है। ये भाई तो बिना रिएक्शन कैसे बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस समझ लीजिए, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ने लिखा है, साथ में रेट का लिखा हुआ है, क्या होगा चेक करो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा ना। ठीक भाई, यहाँ पे देखो ए, इस पे तो नेगेटिव आएगा, क्लियर है, रिएक्टेंट के टर्म पे है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक ये भी सही है, सी देखो यहाँ तक भी सही है, लेकिन वहाँ पे देखो ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, टू है, जबकि यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं, मतलब ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसको देखो, ए सही, बी भी यहाँ तक भी सही, सी देखो यहाँ तक भी सही, और ये वाला भी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बन जाएगा, एग्जाम में आया था क्वेश्चन। अगला लिखो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देते हैं ना। क्वेश्चन बोल दो, ठीक है। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वे एज फॉलोस, ठीक है। अपने पास में क्या है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हमें लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है। अब नीचे में इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? कहाँ पे सी सी लिखे हैं? अरे ये डी है, ये वाला डी है ना, ये वाला डी है, ये वाला डी है, क्या होगा? क्या होगा आसमान? क्या बी है ना, क्यों? देखो भाई, अब देखो यहाँ पे बी प्रोडक्ट के टर्म पे है, बट फिर भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, एक बार चेक करो अच्छे से, क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या? गलती है भाई, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। आगे बताओ, ये किसके टर्म में है? प्रोडक्ट है, उसमें क्या आया? बी, ये ठीक, यहाँ तक सही। 3D का देखो, ये भी प्रोडक्ट है, नेगेटिव के सामने में 1/3 / dt, ये भी ठीक है, यहाँ तक ठीक है ये। 4A देखो, ए देखो पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक। सी देखो प्रोडक्ट है, ठीक, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है सिंपल सिंपल केमिकल काइनेटिक्स से, रेट ऑफ रिएक्शन से यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी टाइप से। क्या इक्वेशन यहाँ पे बस हमने माइनस नहीं लगाया था। एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, इसके बाद में हो गया, और ये शायद ये क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है ना। लिखवाएं, कनिका नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया? नोट्स हैं? नोट्स के बाद स्टडी पढ़ना, उसके बाद भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, चलिए क्या हो गया भाई।
ठीक, क्वेश्चन लिखो चलो। इन द रिएक्शन क्वेश्चन लिखो सुहानी। इन द रिएक्शन ए प्लस टू बी इन द रिएक्शन, ऐसे लिखो रिएक्शन को ए प्लस टू बी, यहाँ पे करना है ये, इसके बाद में 6C+2D। ठीक है, इतना लिखो, उसके बाद आगे लिखना हो गया। इफ द इनिशियल रेट -dA/dt at t equal to zero है ना, इज 2.6 into, ठीक है, what will be the value of -dB/dt at t equal to zero बनेगा, कितना होगा आंसर इसका? यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा, है ना, रिएक्शन आपके सामने में है dA, ये तो कोई लॉजिक, ये तो कोई मैच ना हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब ये बात चलिए, वो तो खैर क्वेश्चन का पोर्शन नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पे यूनिट ये है, रिएक्शन कौन सा है, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट में तो क्या आता है, सेकंड इनवर्स, यहाँ पे एम मतलब क्या है, अब मोलिकुलर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसको पढ़ना है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, बन जाएगा इतना, ठीक। अब यहाँ पे अपने को क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले उसको खोजते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या मिला है अपने को, इसका रेट कितना मिला है, -dA/dt इक्वल टू कितना मिला है भाई, 2.6 into 10^-2 मोल सेकेंड इनवर्स, यही अपने को मिला हुआ है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, -dB/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, वहाँ पे रेट दिया हुआ है, रेट को पहले लिख के देखो, कैसे लिख सकते हो आप लोग, रेट को कैसे लिख के देखना है, पहले इसको इंस्टेंटेनियस रेट लिखो ना, इसका कैसे लिखोगे आप लोग, माइनस ये होगा इक्वल लिखा हो जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा क्या, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब वैल्यू किसकी दी हुई है हमें, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -dA/dt इसको कंसंट्रेशन हो जाए, ठीक है, 1/2 ये होगा क्या, किसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी हुई है, लिख दें कितना आएगा, आएगा इतना, ठीक। कैसे करो, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको इस साइड ले आता हूँ, क्या हो जाएगा, ये कितना आएगा इसका, इंटू
तो ये वैल्यू मिल गया इसका। हाँ अरे नहीं नहीं अरे हाँ माइनस क्या लगाया वो ये इसकी वैल्यू है ना उसकी वैल्यू तो हम माइनस लगाने की नीड ही नहीं है। अरे नहीं यहाँ पे माइनस कहाँ से आएगा तो इसकी वैल्यू पूरा लिखी हमने बन जाएगा इतना बन जाएगा भाई कोई दिक्कत इस पर सिंपल था एकदम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में जो कि काफ़ी आसान रहेंगे। एक बार देखो क्वेश्चन सॉल्व करो सिंपल बात है ना।